कॉलोनी के पास बनी जेजे कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई। जी हां, आपको बता दें कि रात करीब 1 बजे सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। 29 सितंबर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि करीब 2 से 3 घंटे तक गैस सिलेंडर लीक हो रहा था, इसके बाद ये घटना देखने को मिली। आसपास के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक राजकुमारी ढिल्लो पर भी अपना गुस्सा दिखाया। आज इस घटना को 1 हफ्ता हो गया है और वो यहाँ अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आई दुखद परिवार से मिलने। वहीं इस दुख की घटना में कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक सिंह। देखिए, मैं मायापुरी में तो मेरा लगभग घर हो चुका है, ये यहाँ पर तो मैं हमेशा रहता हूँ। 2 तारीख को हमारा कार्यक्रम था गांधी जयंती के अवसर पर, तो हम लोग यहाँ आए हुए थे। उसी समय में पता चला कि इस तरह की बड़ी घटना हो गई। जैसे ही मुझे पता चला, चमनलाल जी हैं हमारे, मायापुरी के ही रहते हैं, यहीं पर इन्हीं के रिलेटिव भी थे। हम हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पर भी उनसे मिले पीड़ितों से, और उसके बारे में पता चला कि दुखद मौत हो गई है। पहले एक लड़के की मौत होती है जिसका नाम श्रवण है, 22 साल का लड़का था। तो फिर हम वहाँ पे यहाँ पे फिर वापस आए, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। इसके बाद आज कल रात मुझे पता चला कि बाकी जो 4 लोग थे उनकी भी मौत हो जाती है, यानी 5 लोगों की कुल मौत हो गई। 4 घर से ज़्यादा इफेक्टेड हो गए, इतनी ज़्यादा बड़ी वारदात हो गई। लेकिन अभी तक ना तो स्थानीय विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, ना तो दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचा है। और बहुत ही ज़्यादा ये शर्मनाक बात है कि जो आम आदमी की सरकार दिल्ली में चल रही है, इससे ज़्यादा आम आदमी और कहाँ मिलेगा उनको। वहाँ पर भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, संवेदना तक व्यक्त करने के पास उनके पास समय नहीं है। की मांग मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दिल्ली में अभी कोरोना का समय चल रहा है, DDM एक्ट लागू है। दिल्ली सरकार कोरोना से जिस व्यक्ति की मौत होती है, 1 करोड़ का मुआवजा देती है। मौत कोई भी हो, दुखदी होती है और परिवार का सदस्य जाता है। ऐसे में मैं चाहता हूँ, और परिवार की ये मांग है, 3 मांगे हैं मुख्य तौर पर परिवार की, जो दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं। पहला है कि 1 करोड़ का मुआवजा हर परिवार को मिले जिनकी ये दुखद मौत हुई है जिनके परिवार में। दूसरा, हर घर में एक सरकारी नौकरी मिले, ताकि जो लोग चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हो सके। और तीसरी, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई की खर्चा दिल्ली सरकार उठाए। जी, लीक हो रहा था जी, और लड़के कमजोर नहीं समझ पाए जी, सबने रोका लीक हो रहा है, इसको बाहर रख दे। तो आदमी डर के मारा कि कोई चुरा न ले जाए, उसको रख दिया अंदर। अब वो अंदर रख दिया, लीक हो, सो गए। तो 2 मियाँ अभी भी मेरे भतीजे हैं, बहू है, वो दोनों इनको जगाने आए। और जगाने आए, जैसा दरवाजा खटखटाया, वो उठ के लड़का लाइट जलाते ही ब्लास्ट हुआ है, दोनों यहीं खड़े हो सामने। सर, जब ये ब्लास्ट हुआ है, मैं अपने रूम में था, ब्लास्ट होते ही जो है लाइट गई है, लाइट जाते ही हम गेट के दरवाजा खोले तो बाहर बंदे जल रहे थे। सर, ये करीब 1 बजे की बात है, 5ों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या बताओ भैया, गैस लीक करत रहा, बेटे और बहू गए बचाने के लिए, वो भी जल गए। जिसका रहा वो बोलती ही पुलिस केस करना चाहिए, तुम लोग क्या करेगा। और वो बार बार बताते थे कि गैस माँ लीक करत है, लेकिन सुनवाई कौन आई कि इनके। और बहू बेटा हमार जले।